तो मुआवजा के लिए कि मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा नहीं मिल सका। मेरा 18 साल का बच्ची है जिसको दिल में छेद है। PMCH के डॉक्टर लोग कहते हैं कि 6 महीना से मशीन बंद है। हम मिले हैं, उनका पैर भी पकड़ लिए सर, लेकिन वो 3 लाख रुपया ली न दूसरे से, तो हम कॉल बुला दी न, बोली कि अब नहीं होगा। आज महीने का दूसरा सोमवार है और आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के फरियादों को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को निदान करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर और यहां पर तमाम जो हैं समस्याएं लेकर के पीड़ित आए हुए हैं, अपनी समस्याएँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखने के लिए आए हैं, अपनी समस्याओं को निदान करने के लिए आए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। हालांकि कई लोग जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए अंदर गए हुए हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में जो पीड़ित हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के आस में बाहर खड़े हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन करा करके मुख्यमंत्री से मिला जाता है। कई ऐसे भी लोग भी हैं जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराए हुए हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ समस्याएँ हैं। औरंगाबाद से है कि हमारा मतलब समस्या है कि उर्मिला देवी के पति जो है से मारे गए, अथी करंट से लग गया। अच्छा। और साल भर हो गया, और साल भर के बाद हमने दरख्वास्त दिया तो मुआवजा के लिए कि मिलना चाहिए, लेकिन मुआवजा नहीं मिल सका। नहीं, आपको कोई अथी नहीं है यहाँ? हाँ, मुआवजा में, हाँ, हम मुख्यमंत्री से मिलने से हमको मुआवजा मिल जाएगा, इतना हमको विश्वास है। मेरा 18 साल का बच्ची है जिसको दिल में छेद है, और वो छेद कर लेकर रोग से ग्रसित है। उस बच्ची को लेकर मैं PMCH गया। PMCH के डॉक्टर लोग कहते हैं कि 6 महीना से मशीन बंद है, यहाँ इसका इलाज नहीं होता है। जब इस तरीके की बात हुई तो आपने शिकायत की? हाँ, शिकायत कहाँ करूँ, शिकायत तो लेकर मुख्यमंत्री के पास आया हूँ कि 6 महीना से मशीन क्यों बंद है, हम लोग गरीब मर रहे हैं। किए इस पी साहब के भी हम दिए दरख्वास्त जनता दरबार में, DM साहब के भी दिए जनता दरबार में, शिकायत में दिए SDO साहब के, CO साहब के, सब जगह के थाना पर गए, हर चीज़ का कहीं सुनवाई नहीं है। सर हम तो भरे थे सहायिका का, लेकिन वहाँ से जब ओम सभा लगा था सर 10 तारीख को 18 साल के महीना में 10/2/2018 में, तो हमको सेविका पद पर दी गई थी। हम मिले हैं, उनका पैर भी पकड़ लिए सर, लेकिन वो 3 लाख रुपया ली न दूसरे से, तो हम कॉल बुला दी ना, बोली कि अब नहीं होगा। ऐसे तो घर हमारा फतेहपुर थाना हुआ, लेकिन हमारा बेटी मानपुर थाना में उसी के साथ कांड किया है, उसको घर से बहरा दिया है, मारपीट के खेती उती नहीं होने दे रहा है। कौन है? तो वो गांव के आदमी है, भवानी विभाग। अच्छा। वो अकेला परिवार हमारी बेटी है, वो पारिवारिक आदमी है। तो आपने सुना किस तरीके से जो लोग हैं वो काफ़ी समस्याएं बता रहे हैं। किसी को ज़मीन का मामला है, किसी का घर का मामला है, किसी की नौकरी की मामला है, तमाम जो है ये शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए हैं, लेकिन इन्हें किसी जो है कारण, यानी कारण मुख्य कारण है कि ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। मिलने के लिए मुख्यमंत्री से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि ये जानकारी के अभाव में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्हें मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनकी समस्याएँ जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद दूर हो सकती है, ऐसा उम्मीद लेकर के आए हैं। धीरेंद्र कुमार, DTV भारत, पटना।